तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिसिंग ऑफ लेंस। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, अभी जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा बेसिकली एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसे सीखे रहिएगा कि हर सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाइए, रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। और अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और मैं आपको इस अल्टरनेट अप्रोच से भी सॉल्व करूँगा और उस बेसिक अप्रोच से भी सॉल्व करूँगा, बताऊँगा कि देखो बेसिक अप्रोच भी बहुत अच्छा अप्रोच है, जब कुछ नहीं समझ में आता है देन यूज बेसिक अप्रोच। ओके, तो मैं बताता हूँ पहले अल्टरनेट अप्रोच। ओके, तो ध्यान सुनिएगा और मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे चाहे जो हो जाए, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ओनली यूज़ मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन इन ऑल टर्म्स। पूरे के पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल साइन कन्वेंशंस। ओके, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए एक ऐसा लेंस है, यहाँ पे मैंने पॉलिसिंग कर दी, अब कोई पूछे कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अगर पॉलिश कर दिया तो बिहेवियर कैसा हो गया, मिरर जैसा। तो फाइनली ये काम कैसा कर रहा है, मिरर की तरह से। तो फिर फाइनल एक्स बार एक्स का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिरर का मैग्निफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, फाइनली रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, नोट करो पहले इसको कि वंस लेंस इज पॉलिश्ड देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। वंस वी फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स वी यूज ओनली एंड ओनली मिरर फॉर्मूला, नॉट लेंस फॉर्मूला। वी यूज ओनली एंड ओनली मिरर फॉर्मूला लाइक वन अपान वी प्लस वन अपान यू बराबर वन अपान एफ, या आई अपान ओ इक्वल्स टू बी अप माइनस बी अपान यू, या एफ अपान एफ माइनस यू, आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए इस सिस्टम का पावर निकालते हैं, इस सिस्टम का पावर, सिस्टम के पावर के लिए मैंने क्या किया कि जो नेट पावर पी होगा, बात करते हैं नेट पावर की। अच्छा एक चीज़ और बताइए, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से एक लेंस लो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एकदम सेम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एकदम सेम है और इसका थिकनेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो कोई पूछे इस सिस्टम का फोकल लेंथ बताइए, तो फोकल लेंथ आप क्या बताएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाइए, तो ये आएगा वन अपान एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, वन अपान लेंस मेकिंग फॉर्मूला है, वन अपान आर वन, आर वन इसका आर इधर है ना तो निगेटिव, तो माइनस आर माइनस वन अपान आर टू, इसका आर भी तो इधर ही है तो इसको भी माइनस आर लिखेंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट होके बन गया जीरो, तो पूरी वैल्यू जीरो आ गई। जीरो आने का मतलब ये हो गया कि इसका फोकल लेंथ कितना आ गया, इसका फोकल लेंथ है इन्फाइनाइट, इसका फोकल लेंथ है इन्फाइनाइट, फोकल लेंथ इन्फाइनाइट है और बिहेव कर रहा है लेंस की तरह से। तो अगर मैं कहूँ कि सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा है यू दूरी पे, बताइए उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, वन अपान भी माइनस वन अपान यू बराबर वन अपान एफ इज इन्फाइनाइट, तो ये तो जीरो आ गया, इसका मतलब यू बराबर क्या आ गया, भी, इसका मतलब यू भी के बराबर है, तो जहाँ ऑब्जेक्ट है बेसिकली इमेज भी वहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना, अरे यू भी बराबर है ना, लिखो साइन कन्वेंशन, यू के जगह पे माइनस यू लिख दो, लिख दिया तो भी क्या आएगा, भी आएगा माइनस यू, इसका मतलब इमेज कहाँ बना, यहीं पे बना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह का लेंस यूज़ करूँ जिसका थिकनेस बहुत ही कम है और कर्वेचर रेडियस एग्जैक्टली बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो रहे या ना रहे, क्योंकि इमेज वहीं बनेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि चलो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग इसका अल्टरनेट अप्रोच सीखेंगे कि कैसे करें। ठीक है, तो देखिए
इसको क्या करिए, हटा दीजिए। मैं अल्टरनेट अप्रोच की बात कर रहा हूँ, बेसिक अप्रोच करें, बेसिक तो कुछ सोच रहा ही नहीं है, सिंपली सॉल्व कर देगा। इसमें मैंने हल्का सा सेपरेट कर दिया, इस तरीके से ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया मिरर को, कहा कि ये मिरर है आपका जो पॉलिश था, और ये बना दिया इस तरीके से। तो आप देखो सही से, ये जो बीच का पार्ट है ना, एयर वाला पार्ट, ये जो बीच का एयर वाला पार्ट है, इसका बिहेवियर एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसका मतलब हो गया कि इसको बनाने का असर नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप इस डायग्राम को बनाएं या इसके जगह पे आप इस डायग्राम को बनाएं, इसको बनाएं, आपका आंसर क्या मिलेगा, एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो हम लोग इसके हेल्प से प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर की बात करेंगे। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप यहाँ पर रख रहे हैं, तो रेज ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी। इसका मतलब कि लेंस जो है, ये जो लेंस है वो एक बार इधर से यूज हो रहा है, एक बार उधर से यूज हो रहा है, तो लेंस दो बार यूज हो रहा है, जबकि मिरर सिर्फ एक बार यूज हो रहा है। तब क्या कहेंगे, नेट पावर ऑफ सिस्टम PSS, लेंस का पावर प्लस मिरर का पावर प्लस अगेन लेंस का पावर। रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले तभी लगाए जाते हैं पावर के एडिशंस जब बीच का गैप बहुत ही कम हो, ठीक है। अब ये PL जो ऐड किए हैं, ये ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ PL बन गया। और एक चीज़ और आपको पता है, जो लेंस का पावर होता है, लेंस का पावर वो 1/4 फोकल लेंथ होता है, तो क्या बनेगा, ट्वाइस अपान F बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ FL। और PM मिरर का पावर होता है 1-1/F, रिपीट कर रहा हूँ, मिरर का पावर होता है -1/F, रिपीट कर रहा हूँ, -1/-, अंडरलाइन है। लेंस का पावर होता है 1/F, मिरर का पावर होता है -1/F। तो -1/FL लिख लिया। तो ये इस पूरे सिस्टम का मैंने पावर निकाल लिया। आप कोई पूछे इस पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ बताइए, तो इस पूरे सिस्टम का जो फोकल लेंथ आएगा, फोकल लेंथ 1/F, बेसिकली ये मिरर के ही तरह से काम कर रहा है ना, तो मिरर ही, ये भी तो मिरर ही है, पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह से काम कर रहा है। तो PS बराबर -1/F लिखेंगे ना, पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम मिरर है, और मिरर का जो पावर होता है, पावर मिरर का पावर होता है -1/F, लेंस का जो पावर होता है वो होता है 1/F, ठीक है। तो इस माइनस की इधर भेज दीजिए, तो ये कितना आ गया, दिस वन इज 1/F ऑफ सिस्टम इज -2/FL प्लस 1/FM। नाउ अब इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अब मैं इसका अलग से लिखूंगा इधर, और उसके बाद इस पे बेस होकर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक अप्रोच से भी और इस अल्टरनेट अप्रोच से भी। इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, करा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका अगर प्लेन साइड को पॉलिश कर दिया गया, तो इसका जो बिहेवियर है वो कॉनकेव मिरर जैसा है, जिसका फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। और जब इसके कॉन्वेक्स साइड को पॉलिश कर दिया गया, तो इसका बिहेवियर कॉनकेव मिरर जैसा है, बट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कॉनकेव मिरर है ना, पॉलिशिंग इधर हुई है, तो अगर पॉलिशिंग इधर हुई है, रिपीट करो, इधर हुई है, तो कॉनकेव मिरर ऐसा होगा कि इस तरीके से होगा, ऑफ कोर्स ऐसा होगा। इसका मतलब इस डायग्राम को हम यहाँ बना लेंगे ऐसे, इसको हटा के, पॉलिशिंग पीछे करनी, इधर करना, पॉलिशिंग पीछे करनी है, अब क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर, तो आप ऐसे दिखाएंगे ऐसा, ऐसे, और लिख देंगे फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉलिशिंग इधर हुई है, बट इसका व्यूअर क्या है, कॉनकेव मिरर, तो इसको हटा के पॉलिशिंग पीछे करनी है, रिपीट कर रहा हूँ, बनाना है कॉनकेव मिरर, तो फिर आप ऐसे बना लेंगे इस तरीके से, ऐसा पॉलिशिंग पीछे करेंगे, कॉनकेव मिरर पीछे, अंडरलाइन है, कॉन पॉलिशिंग पीछे, कॉनकेव मिरर, यहाँ पॉलिशिंग यहाँ पे है, तो देखिए इधर कॉनकेव मिरर, और इस पे लिख दिया। अब मैं यूज़ करूँगा उस अल्टरनेट अप्रोच का, ठीक है। फिर मैं बेसिक से भी आपको बता के दिखाऊंगा कि देखिए आंसर कैसे आता है। तो देखिए इस पे लिखेंगे, अच्छा पहले जो डायग्राम है और सेकेंड जो पार्ट है, फर्स्ट यूज करने जा रहा हूँ फर्स्ट, तो 1/FM इज इक्वल टू -2/FL प्लस 1/FM।
तो जो वन अपान एफ एम है मैथमेटिक्स कॉन्वेंट मैथमेटिक्स सिस्टम यूज़ करेंगे, अगर ऐसा मिरर होता है तो उसका फोकल लेंथ इधर होता है कि इधर होता है? ऑफकोर्स उधर होता है, उधर। और अगर ये ओरिजिन है तो एक इधर मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग पॉजिटिव, तो आप यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव कितना 1/60। तो 1/60 इज इक्वल्स टू -2/FL। अच्छा ये जो लेंस है ना, ये लेंस इसको आप ऐसे थोड़ा सा ना सेपरेट कर दीजिए, हल्का सा कहा था ना एयर गैप हल्का सा दे दीजिए, सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाता है। इस तरीके से ऐसे दे दिया। ऑब्जेक्ट रखने की बात करें, अच्छा इस केस में ऑब्जेक्ट आप इधर रखेंगे ना, इधर अगर ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा वो इधर आएगा कि इधर आएगा? ऑफकोर्स सेकेंडरी फोकस इधर होता है, याद करिए। कॉन्वेक्स लेंस अगर ये है और ऑब्जेक्ट इधर है तो सेकेंडरी फोकस इधर होता है, और अगर ये कॉनकेव लेंस है ऑब्जेक्ट इधर है तो सेकेंडरी फोकस भी उधर ही होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अगर ये लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका सेकेंडरी फोकस इधर होगा, और इधर है तो अगर ये ओरिजिन है इधर है तो नेगेटिव। इसका मतलब एफ एल पे क्या लिखेंगे, -FL +1/FM। FM क्या होता है? R/2। और ये क्या है? प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फाइनाइट होता है क्योंकि R उसका इन्फाइनाइट होता है, तो बन गया इन्फाइनाइट। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इससे FL की वैल्यू क्या आ गई, FL की वैल्यू आ गई 120। अब हम सेकेंड डायग्राम का यूज़ करेंगे इसका, इसको भी हल्का सा सेपरेट कर लीजिए, इस तरीके से सेपरेट कर दीजिए हल्का सा एयर गैप। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। एयर गैप कर लिया। अब ऑब्जेक्ट बताइए किधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे। अरे मिरर के पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसे बनेगा, सही है? अब लगाएंगे इसको। अच्छा मिरर ही है ना, क्योंकि ये फोकल लेंथ इस मिरर का है, तो इस मिरर का फोकस इधर होगा कि इधर होगा? ऑफ कोर्स इधर होगा, कॉनकेव मिरर ना, फोकस लेंथ इसकी तरफ होता है, तो इधर होगा। तो माइनस, तो -1/20 लिख रहा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू -2/FL। FL ये है ना इसका, ये वाला लेंस, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका फोकल लेंस इधर होगा कि इधर होगा? ऑफ कोर्स इधर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स जैसा बिहेवियर शो करता है, तो इसका सेकेंड फोकस इधर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, +FL। तो +FL आ गया, एंड +1/FM। FM ई मिरर है, तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है ना, तो फोकल लेंथ इधर आएगा, मतलब माइनस, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो -R/2 लिख लिया। FL आप निकाल चुके हैं 120, उठा के यहाँ पर रख दीजिए 120 रख के इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जब इसको आप इधर भेजेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा प्लस, और ये इक्वल बन जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ये बन गया 20, ये बन गया -120, तो कितना आएगा -120 -40, ये बनेगा -80/20×120। इससे देखिए ये 4 का टर्म बनाएगा, अब 4 का टर्म ये 2 का टर्म बना देगा, और ये बना देगा 60। इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज 60 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने R निकाल लिया है 60 सेंटीमीटर, और FL निकाल लिया कितना 120 सेंटीमीटर। अब हमें बात करनी है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो इस डायग्राम को आप यहाँ बना लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ, इस डायग्राम को मैं यहाँ बना ले रहा हूँ इस तरीके से ऐसे, और ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो और फोकल लेंथ लेंस मेकर फॉर्मूले से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, इधर रखो फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स कन्वेंशन यूज़ करो, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया सपोज करो, तो सेकेंडरी फोकस इसका इधर दिखाएगा ना, इधर। तो लिखेंगे फॉर्मूला 1/F इज इक्वल्स टू -1 लेंस मेकर फॉर्मूला R1 - R2। तो यूज़ करिए इसमें 1/F, तो चूंकि ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा है सेकेंड फोकस इधर है, तो +1/+ कितना आया 120, -1 1/R1। R1 ये कहलाएगा ना, तो R1 क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, -1/R2 ये है, तो इधर होगा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो -R2, और R2 कितना है, R2 60 है, R2 ही तो 60 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 0 बनेगा, ये +160, तो इसको डिवाइड करेगा तो 1/2 बनेगा, तो बन गया क्या, बन गया 1/2 इक्वल्स टू -1, देन व्हाट इज म्यू, दिस इज 1.5। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं,
कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, इस साइड में पॉलिश कर दिया है। इस कॉन्वेक्स लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल है 100 सेंटीमीटर बराबर। अगर इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है तो बताइए उस ऑब्जेक्ट का इमेज इस लेंस से कितनी दूरी पे बनेगा, जबकि ये लेंस थी लेंस है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है एक बार पॉलिश कर दिया तो फिर बिहेवियर कैसा हो गया, मिरर की तरह से है। जब एक बार मैं फोकल लेंथ निकाल लूंगा तो फिर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा। सही है, यूज करते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला के लिए 1/f बराबर -2/fl प्लस 1/fm यूज करेंगे और बीच में हल्का सा क्या करेंगे, ईयर गैप दे देंगे ताकि क्वेश्चन को हम लोग इजिली समझ सके, हैंडल कर सके। अंडरलाइन है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाना है ना, तो इजी किससे पढ़ रहा है, गैप से यूज कर लिए। तो हालांकि अभी बेसिक यूज करेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो यूज करते हैं। एफएम तो निकाल सकता हूँ रेडियस के सहायता से, लेंस निकालने के लिए बाई कॉन्वेक्स लेंस है और बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो है 2μ-1/r। अगर ये याद नहीं होगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/f बराबर म्यू रिलेटिव -1/r1-1/r2। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका, 1/f इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 ब्रैकेट में 1/r1-1/r2, और उसी से मैंने निकाला इस चीज़ को। तो क्या करेंगे, ट्वाइस म्यू किसके बराबर, 1.5 -1/r किसके बराबर है, 100 उठा के प्लेस कर दीजिए तो इससे वैल्यू हो जाएगी 1/100। इसका मतलब जो fl है दिस इज 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, और आप लेंस मेकर फॉर्मूला भी लगाइए, घबराने की जरूरत नहीं है, अब याद था इसलिए यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसमें यूज़ करेंगे -2/fl। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इधर और लेंस ये है तो इसका सेकेंडरी फोकस इधर होगा कि इसका इधर होगा, ऑफकोर्स इसका सेकेंडरी फोकस इधर होगा क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो तो इसका सेकेंडरी फोकस इधर होगा क्योंकि रे जैसे आ रही है ना, सेकेंडरी फोकस इधर होगा। fl यहाँ पे क्या लिखेंगे, -fl, तो -100 लिखेंगे प्लस 1/fm। fm मिरर ही है ना, तो इस मिरर का रेस अगर कितना है, 100 है, तो इसका फोकस इधर होगा कि इधर होगा, ऑफ कोर्स इधर होगा, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे इधर करके, तो इधर प्लस होगा ना, तो प्लस एफ होता है r/2, तो r कितना, 100, तो 100/2 तो बन गया 2। अब से देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया, तो इससे बेटर है कि चेंज कर लो ताकि सही आंसर आ जाए। म्यू के मैंने क्या किया, 2.5 कर दिया, 2.5, तो यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे 2.5 से तो कितना बन गया, 2.5 का मतलब आ गया 1.5 × 2, 3/100, तो आ गया 100/3। तो fl इज 100/3, तो 100/3 तो ऊपर 3 जाएगा और fm तो वही रहेगा r/2, तो ये रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये कितना आएगा, 3 × 6 -- प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये -- प्लस हो गया, 6 × 2 = 8, 8/100, 8/100। अब ये मिरर है ना, तो मिरर है तो आप मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो 8/100 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और ऑब्जेक्ट इधर है ना तो ओरिजिन इधर होगा तो प्लस 1/20। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v इक्वल हो जाएगी कितनी, 8/100 -1/20, तो 5 यहाँ पे, ठीक कितना आएगा, 3/100। ठीक है, तो यहाँ से भी इक्वल क्या आ गई, दिस वन इज 100/3 सेंटीमीटर, प्लस आया है, इसका मतलब जो इसका इमेज है वो यहाँ से 100/3 सेंटीमीटर दूरी पे इधर बनेगा। ओके, तो दिस इज आंसर। इसी को बेसिक सॉल्व करते हैं, बताता हूँ। एयर गैप हटा दिया क्योंकि एयर गैप रखोगे तो थोड़ा सा और बड़ा लिखना पड़ेगा, एयर गैप हटा दिया, हालांकि उससे भी तुम कर सकते हो। चलो एयर गैप हटा के सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक, कोर बेसिक। रेज से जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी, फिर इमेज बनेगा। लगाएंगे दो बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, एक बार मिरर फॉर्मूला, आंसर दे देगा। तो यूज़ करें, पहला रिफ्रैक्शन में यूज़ करने जा रहा हूँ, फर्स्ट
रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो जहाँ पे रेज इंटरसेप्ट करती है उसके आगे वाला म्यू टू पीछे वाला म्यू वन का लाता है, तो म्यू टू कितना है 2.5। तो म्यू टू अपान बी वन माइनस मी वन इसके इधर वाला जो कि एयर है, तो वन अपान यू कितना है 20, इधर है तो प्लस, तो प्लस 20 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन अपान इसका आर इधर है तो माइनस, इधर है तो माइनस कितना 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2.5 अपान भी वन माइनस वन अपान 20, इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस बन जाएगा और ये आएगा 2.5 से 1 तो ये 1.5 बनेगा, तो माइनस 1.5 अपान 100 आ जाएगा। आप 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 यहाँ, तो 5 में से 1.5 घटाइए तो बनेगा 3.5 डिवाइड बाई 100, बन गया। अब इसमें क्या करिए, भी वन की वैल्यू निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, इससे भी वन की वैल्यू आ गई कितनी, भी वन की वैल्यू आ गई आपकी 5 यहाँ था ना तो ये तो प्लस था, ठीक है, तो ये क्वांटिटी प्लस बनी थी और ये क्वांटिटी 1.5 पर 100 माइनस, ठीक तो है, तो कितना आएगा 500 डिवाइड बाई 7। अब लिखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन फार्मूला, रिफ्लेक्शन फार्मूला, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू, और यू ये रोल प्ले करेगा, पूरा मैथ के साथ आया है ना, तो सीधे साइन कन्वेंशन भी वही प्लेस कर दो, प्लस आ रहा है मतलब इधर होगा तो प्लस ही लिखेंगे ना, तो 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू इक्वस टू 2 अपान आर, इसका आर इधर है इसलिए प्लस, तो प्लस 100 कर लीजिए और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा और ये रहेगा प्लस, बन जाएगा माइनस माइनस। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, अब 5 यहाँ पे तो 5 दूनी 10 से 7 घटा दीजिए, ये बन गया क्या 3 अपान 5 मल्टीप्लाई किया ना 500, इससे भी इसको भी टू लिख लेंगे, इससे भी टू बोल के आ गए, दिस वन इज 500 बाई 3। अब हमारा पहला रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, अब लास्ट रिफ्रैक्शन यूज़ करना है, मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन यूज़ करना है, रिफ्रैक्शन, और अब आंसर आ जाएगा। तो रेज यहाँ पे है ना, तो आगे वाला म्यू टू पीछे वाला म्यू वन, तो ये म्यू टू क्या है एयर है, तो वन अपान भी माइनस वन अपान यू, और यू का रोल कौन प्ले करेगा, यही प्ले करेगा, तो सीधे वैल्यू के साथ प्लेस कर दीजिए इज इक्वल टू म्यू टू माइनस मी वन, म्यू टू माइनस मी वन, म्यू टू, अच्छा एक सेकेंड, इसकी क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, म्यू टू अपान भी माइनस मी वन ये कहलाएगा ना 2.5, म्यू टू अपान भी माइनस मी वन अपान यू, और यू ये प्लेस करेंगे 500 बाई 3 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, तो म्यू टू वन है तो वन माइनस ये कितना है 2.5 डिवाइड बाई, और आर इधर है तो माइनस माइनस 100। तो यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं वन अपान भी इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना, और ये 7.5 बन जाएगा, तो बनेगा 7.5 डिवाइड बाई 500, 7.5 डिवाइड 500, और ये 1 से 2.5 से माइनस 1.5 बनेगा अपान 100, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.5 बाई 100। अब जोड़ दीजिए, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 5 से डिवाइड कर दीजिए तो बनेगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 1.5 बन जाएगा अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो, और ये बन जाएगा 100। अब ये जोड़ेंगे तो बन गया 3 अपान 1.5 3 अपान 100, तो भी कॉल किया जाएगी दिस इज 100 बाई 3, तो आंसर इज 300 100 बाई 3, दिस वन इज आंसर्स।